भाई मेरा अकाउंट हर बार सस्पेंड हो जाता है। मैंने पैसा लगाया अकाउंट के ऊपर, मैंने पैसा लगाया भाई एप्लीकेशन के ऊपर, मैंने पैसा लगाया भाई लोगों को अपने पास लाने के लिए, मैंने कहाँ कहाँ नहीं पैसा लगाया। ऐसी कौन सी गलती मेरे से हो जाती है जो मेरा अकाउंट सस्पेंड हो जाता है? भाई कोई तो समाधान दो, बड़ी समस्या में हो, इससे निकालो मुझे, कैसे भी करके निकालो भाई। तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्यों ऐसा तुम्हारे साथ होता है, क्या रीज़न है। तुम लोग बहुत कुछ सीख चुके हो, तुम लोगों ने बहुत कुछ जान लिया है, पर बहुत सारी गलतियां तुम कर जाते हो। उसमें से सबसे बड़ी गलती होती है तुम्हारा जो नया अकाउंट होता है। आज तक मैंने तुम्हें अपनी कमाई दिखाई है, पर आज मैं वो राज खोलने वाला हूँ जो कि बहुत कम, बहुत ही कम, 0.0001% लोग आपको ये चीज़ बताते हैं, जिनमें से वो 1% अभी मैं ही हूँ। आप लोगों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी होती है कि आप क्या और कब और कैसे कर रहे हैं, मींस कि आपका जो आईपी है वो कहाँ पे चल रहा है। ये आईपी ही सबसे बड़ा रीज़न है जो आपके अकाउंट को करता है सस्पेंड, इसी से पकड़ा जाता है आपका अकाउंट। कैसे, बताता हूँ। और ये आईपी होता क्या है? आईपी को कहते हैं हम इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये जो आईपी होता है चार टाइप का आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट। हम जो काम करते हैं पब्लिक और प्राइवेट पे काम करते हैं, और जो दो तरह के आईपी होते हैं वो बैंक वगैरह या हैवी सर्वर वगैरह यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आईपी होता है वो होता है पब्लिक आईपी या प्राइवेट आईपी। प्राइवेट आईपी जो कि आपके घर से चल रहा हो या एक पर्टिकुलर जगह से आ रहा हो। तो ये आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो आईपी है ये कैसे वर्क करता है। इसके बारे में जानोगे तो आपका जो अकाउंट है, जो भी आप नया अकाउंट बनाते हो, उसको सस्पेंड होने से 86% आप बचा लोगे। कैसे, ये देखो, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि मान लो कि ये आईपी आपका है 1.2.3.55.6 या 8.5, ये आपके घर का आईपी है, होम आईपी, ठीक है, होम आईपी, ये आपके घर का आईपी है। अब आपने क्या किया, आप एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं यूएसए के आईपी पे, ठीक है, मींस यूएसए आईपी पर आप कर रहे हैं वर्क, ओके, इज इक्वल टू, अब वो जो यूएसए का आईपी है वो क्या है, वो है 851 या 2, ये कुछ इस तरह का आईपी आपको यूएसए का मिल जाता है। जब ये आईपी जो आपके होम आईपी है और आपका जो यूएसए का आईपी है ये मिल जाते हैं, तब आप रहते हैं सेफ, ठीक है, आप हैं अब सेफ, ओके, आपका जो वर्क है वो ठीक तरीके से चलता रहेगा जब तक इस तरीके की आईपी आपकी चलती रहेगी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सस्पेंड कब होते हैं। अब आप बड़े ध्यान से देखिएगा, जब आपका आईपी होता है घर का, जो आपका आईपी है घर का ये वाला, ठीक है, इस आईपी को हम रख देते हैं नीचे, और जैसे आप एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे हैं, आप कनाडा पे वर्क कर रहे हैं, यूएसए पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, आपका वीपीएन बैकग्राउंड में हो जाता है डिस्कनेक्ट, ठीक है, और जैसे ही वो डिस्कनेक्ट होता है तो आपका आईपी वापस से क्या हो जाता है, आपका होम आईपी, और जैसे ये होम आईपी होता है तो इसका मतलब हो जाता है ट्रू वैल्यू, यानी कि ट्रू अकाउंट ब्लॉक, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रू ब्लॉक। ये ट्रू ब्लॉक क्या होता है, जिस लोकेशन पे आपका अकाउंट बना हुआ है या ज़्यादातर आप लॉगिन करते हैं उसी लोकेशन पे आपकी एप्लीकेशन डिटेक्ट होना बोला जाता है ट्रू ब्लॉक, ठीक है। ट्रू ब्लॉक मीन्स जब दोनों वैल्यू सेम हो जाती हैं तो बोट जो होता है ऐप लॉगिन का वो आपको कर देता है ट्रू ब्लॉक, मीन्स आपका गेम खत्म। चाहे कितना भी ट्रैफिक आपके एप्लीकेशन पे हो, कितने भी लोग आपके एप्लीकेशन पे हो, सेम वैल्यू मैच होते ही आपका अकाउंट हो जाता है सस्पेंड। अब यहाँ पर ये सस्पेंड होने के तीन टाइप होते हैं, जैसे कि आपका ये होम आईपी है, ठीक है, अब आप अपने दोस्त के घर चले गए जो कि उसका आईपी बदल के हो जाता है यहाँ पे 5 की जगह 6 या 8, ठीक है, तो भी आपका वैल्यू बैठेगी क्या, तो भी आपकी वैल्यू बैठेगी अकाउंट की ट्रू ब्लॉक, ठीक है। आप अपने चौथे या तीसरे फ्रेंड के घर पे चले गए, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही आप अपने पांचवे फ्रेंड के घर पे गए, ठीक है, यहाँ पे मैं आया और मैं अब चला गया आपके 5 फ्रेंड के घर पे, ठीक है, उसका आईपी है 98.85,
ये भी आपकी वैल्यू बैठ जाएगी, ट्रू ब्लॉक। मींस जिस घर में आप रहते हैं उससे 5 किलोमीटर के एरिया में जो भी आईपी है वो डेंजर जोन है। मींस आप, आपका जो फ्रेंड है अगर आपसे 5 किलोमीटर दूर रहता है तो वो आपका जो जोन है वो रेड जोन है। रेड जोन का मतलब है कि आपकी जो फ्रेंड की वैल्यू है, यानी कि आपकी जो आईपी है और जो आपके फ्रेंड की वैल्यू आईपी है वो इक्वल मानी जाएगी। इक्वल मींस होगा ट्रू ब्लॉक, ठीक है। तो जब ये चीज़ होती है कि मान लो कि जो टीम अर्निंग कर रहे हैं और उन्होंने अपने फ्रेंड से काम करा लिया, तो अब क्या होगा, आपका अकाउंट हो जाएगा सस्पेंड। क्यों? क्योंकि आपका जो फ्रेंड है आपके 5 किलोमीटर के एरिया के अंदर आ गया है। अब जैसे ही वो 5 किलोमीटर के एरिया के अंदर आ गया है तो एक दो वार्निंग दे के अकाउंट आपको छोड़ देगा, 5वीं वार्निंग में आपको ट्रू ब्लॉक कर देगा। इस तरीके से आप लोगों के अकाउंट होते हैं सस्पेंड इन आईपीज के थ्रू, ठीक है। अगर आपके हाउस का जो आईपी है वो सेम ही है, ये वाला आईपी, ठीक है, और आपकी एप्लीकेशन का आईपी आप चेंज कर रहे हैं, ठीक है, आप कोई अलग अलग कंट्री का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि अब हमने कर लिया कोई दूसरा आईपी, ठीक है, तो ये रहेगा सेफ, ठीक है। और अगर आपका ये जो आईपी है घर का ये कभी मैच ही नहीं होता, ठीक है, तो क्या होगा, कभी भी अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा और ये अलग अलग आईपी जो आपके हैं वो चलते रहेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके की वैल्यू को कहते हैं हम सेफ ट्रू, ठीक है। तो ये होता है सेफ। तो आपको समझ में आया कि क्या रीजन है आपके अकाउंट का सस्पेंड होने का? आपका घर का आईपी, आपके अकाउंट लॉगिंग करने का आईपी, आपका ऑफिस का आईपी या आपके 5 किलोमीटर के अंदर का आईपी, वही आपको सस्पेंड कराता है, वही आपका अकाउंट ब्लॉक कराता है। तो ये है आईपी रेड जोन। और ये चीज़ अगर आपके अकाउंट के साथ बार बार होती है, 5 बार हो गई, 6 बार हो गई, 7वीं बार में आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, चाहे उसमें $200 हो, चाहे उसमें $1,000 हो, चाहे उसमें $500 हो, उसका गेम ख़त्म, ठीक है। तो समझ में आया कि सबसे पहला मेन कारण क्या है आपके अकाउंट का सस्पेंड होने का। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो आपको और मिले, ऐसी जानकारी आपको और मिले, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो और कमेंट में मुझे बताओ कि और क्या जानना चाहते हो। बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, पर वो आप पूछेंगे तभी मैं बताऊंगा, वरना मैं नहीं बताऊंगा। और नीचे आ जाते हैं, नीचे अब मैं आपको दिखाता हूँ एक ऐसी एप्लीकेशन जिसके थ्रू आप अब ऐप लोविन की एप्लीकेशन के अंदर अपनी SDK की डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप यूनिटी में करते हैं वैसे अब आप कर सकते हैं ऐप लोविन की SDK की के साथ भी। ये हमने स्पेशली ऐप को क्रिएट किया है जो कि पहली ऐसी ऐप है जिसके अंदर आप अपनी खुद की IP मीन्स आपकी SDK की उसको बार बार चेंज कर सकते हैं। मान लो कि आपका IP है, IP मीन्स आपकी SDK की जिससे आपके एड शो होते हैं, तो मेरी ये SDK की है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके इसमें पेस्ट कर देता हूँ। एक बार इस ऐप को बंद कर देता हूँ, फिर ओपन करता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसकी को पेस्ट कर देता हूँ और सबमिट आईडी कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं ये आईडी हो चुकी है एक्टिवेट, ठीक है। अब जैसे ही ये एक्टिवेट हो चुकी है मीन्स मेरी एप्लीकेशन में सारे एड्स शो होंगे, मैं कोई सा भी ऐड देख सकता हूँ। ये देखो, तो देखा आपने। तो अब आप अपनी ऐप लॉगिन की एप्लीकेशन में SDK की पेस्ट कर सकते हैं। और यही नहीं, आप एडमिन पैनल भी बनवा सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका यूजर्स केवल ऐड को देख सके, उसमें आईडी चेंज ना कर सके, तब उसके लिए हम आपके लिए स्पेशली एक एडमिन पैनल ऐप भी बना देंगे, ठीक है। तो आप अपनी टीम को भेज सकते हो और कभी भी अपनी SDK की को चेंज कर सकते हो, क्योंकि ऐप लॉगिन में आप एक एप्लीकेशन पे 5 अकाउंट यूज़ कर सकते हो ऐप लॉगिन एप्लीकेशन के, ठीक है। यानी कि एक ऐप पे 5 अकाउंट ऐप लॉगिन अकाउंट के आप यूज़ कर सकते हो एक सिंगल टाइम में, अपनी आईडी को अलग अलग तरीके से चेंज करके। तो वो चीज़ आप यहाँ पर अब कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, लगातार कार्य नहीं करें, धैर्य रखकर कार्य करें और सही प्रकार से कार्य करें। कार्य करने की अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए बाय। और अगर आपको ये ऐप ऑर्डर करनी है तो आप मेरे से टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बाय।